उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लगातार हो रही रिमझिम बारिश के चलते जनपद के थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम नगला बली में देर रात्रि एक मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी, जिसमें भैंस का दूध निकालने गई 42 वर्षीय महिला सुषमा देवी की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दो जानवर भी दीवार के नीचे दबने से घायल हो गए। वहीं महिला की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर कुरावली पुलिस के अलावा एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं संबंध में परिजनों ने क्या कुछ कहा, क्या बताया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहाँ के रहने वाले हो? बलीपुर के। अच्छा, पोस्टमार्टम हाउस आते आए हो, क्या पूरा मामला है? हमारे छोटे भाई की घर से भैंस धो रही थी जी, दीवार गिरी, पानी बरस रहा हो तो दीवार गिरी, तो वो वन टाइम खत्म हुई गई दीवार में दब के जी, भैंस घायल हुई गई, बाबू जिंदा घायल हुई बात। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी, तहसील में लेखपाल एस डी एम को सूचना दी, सब लोग पहुँच गए मौके पर जी। कितनी उम्र होगी लगभग? 42 साल। कल शाम को बारिश हो रही थी, दीवार गिरने के कारण मेरी माँ की मृत्यु। अच्छा, क्या उम्र थी तुम्हारी माँ की? उम्र लगभग 42 साल। अच्छा, ये जो ना जो दीवार गिरी है, क्या कच्ची थी? नहीं, पक्की दीवार थी। पक्की दीवार थी, तो क्या वहीं उसी के सारे बैठी हुई थी क्या? नहीं, एक्चुअली वहाँ पर वो भैंस गिर रही थी। अच्छा, दूध निकालनी थी भैंस का, तो भैंस भी घायल हो गई। और कितने लोग जख्मी? अकेली वही थी, तो उसी की तत्काल मर गई क्या? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।